जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा का प्रोग्राम आज इमानुएल सरफराज के साथ। जैसा कि आपको बताया कि हम नए मौजू के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि इमानुएल सरफराज एक सीनियर साफ़ी हैं और आज का जो मौजू है बहुत अहम है, इवानों में मसीहों की नुमाइंदगी और मर्दमशुमारी के मसीहों पर क्या असरात होते हैं। तो आए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और हम अपने मेहमान इमानुएल सरफराज से बात करते हैं। जी, मैं आपको अपने शो में वेलकम कहता हूं और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो सियासी बुहरान मुल्क में चल रहा है, आज आपने हमारे नाज़रीन को उसके बारे में बताना है कि जो ऐवानों में बैठे हुए हमारे जो मसीही सियासतदान हैं उनका कितना मुस्बत करदार है और अब जो इलेक्शन होने को जा रहे हैं, अब ये भी नहीं पता कि होने हैं या नहीं होने, लेकिन इलेक्शन होने तो हैं ही हैं, लेकिन अब क्या उनका किरदार रहेगा, ज़रा हमारे नाज़रीन को इसके बारे में आज बताएं कि इसमें हमारे मसीही जो नुमाइंदे बैठे हैं वानों में उनका क्या किरदार होगा। मैं आपकी बात को इस तरह समझ लेता हूँ कि आप चाहते हैं कि हम बात करें कि मसीहों की पाकिस्तान में किस कैसे नुमाइंदगी होती रही है और कैसी होगी, आप ये चाह रहे हैं कि उस पर बात की जाए। तो उसके तो एक सिंपल सा जवाब है कि हमारी तो नुमाइंदगी हुई ही नहीं कभी जी, पिछले 75 साल में हमारी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। अब आप कहेंगे कि नुमाइंदगी क्यों नहीं हो सकी, हमारे तो लोग भी MNA भी रहे हैं, इतने लोग भी रहे हैं। अभी तो जो करंट MNA हैं या MPAs हैं उनकी तो चलें बात हम मानते हैं, वो मुल्क में मौजूद हैं। पिछले 50 साल में जो MNA या MPA बने हमारे, उनमें से पाकिस्तान में लिखते हैं इस वक्त वो सब जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका के पास, अमेरिका का लगे हुए वीजे उनके नहीं, पास नहीं, नहीं, वीजों की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात बेसिकली कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में रेजिडेंस अख्तियार नहीं की, वो दूसरे मुल्कों के शहरी बन चुके हैं जी जी। तो वो इंग्लैंड के शहरी हैं, कनाडा के हैं या अमेरिका के हैं, तो वो पहले जौन से थे MNA या MPA बने और आज वो मुल्क से बाहर रहते हैं जी जी, ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जब दो मुल्क में थे तो उन्होंने भी सही तरह कोई नुमाइंदगी नहीं की। तो मैं इसको सेफली ये कह सकता हूँ कि मसीहों की नुमाइंदगी कभी हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। और जो हालात इस वक्त जो जा रहे हैं, आगे भी कोई इतना फ्यूचर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी जौन सी है वो बड़ी अफसोसनाक सी बात है कि कोई सीरियस नहीं है हमें नुमाइंदगी देने में। बेसिकली आप देखें कि ये इस वक्त कितनी सीट्स हैं नेशनल असम्बली में, 10 सीटें जी जी। कब दी गई 10 सीटें? 1985 में एक डिक्टेटर ने मिनोरिटीज़ को सीट्स दी, ज़ियाउल हक ने 1985 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जी जी, जो कि बाद में लॉ बन गया। तो हमारी 10 सीटें मिनॉरिटीज़ को उसमें मिली, लेकिन 1950 के बाद आप देखें कि ऐवान की तादाद बढ़ गई जी, बिल्कुल बढ़ी, ठीक है, तो मिनॉरिटीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, वो वहीं पे, वो वहीं पे 10 पे ही हैं जी जी, हम तो 10 पे अटके हुए हैं ना। और 10 का जो सा था पहले जो था तहयन क्या था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि हमारे जो लोग थे, जो नुमाइंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता था उसका हलका होता था पूरा पाकिस्तान जी जी। वो कभी कराची जा रहा था, जाता था कि वहाँ से मुझे वो वोट पड़ जाएंगे, कभी वो हैदराबाद भागता था, कभी सखर जाता था, कभी थल, कभी थर, कभी बलोचिस्तान, पूरा पाकिस्तान फिरता, तो पूरा पाकिस्तान फिरता था और उसके पास तो इतने पैसे होते नहीं थे, तो वो कोई रिप्रेजेंटेशन उस निज़ाम के अंदर जो अगर आई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुई उसमें।
क्योंकि कोई भी इतना कोई टार्जन या इतना कोई ताकतवर आदमी नहीं था जो कि इतना ट्रैवल कर सके और लोगों को कन्विंस कर सके और वो सारी जगह से वोट ले। इसी तरीके से जॉन सा था, उसके बाद जब लॉ चेंज हुआ तो सीट्स हमारी वही रहीं, लेकिन साथ उन्होंने कर दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जॉन सी हैं वो जॉन सी हैं वो नुमाइंदगी देंगे, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने नुमाइंदगी देनी शुरू की तो वो पार्टीज का एजेंडे के ऊपर चलती रही। तो पार्टीज का एजेंडा ऐसा ही था कि वो फिर उनकी उन्होंने पार्टीज की बात की, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप के लिए नहीं कुछ किया उन्होंने। हाँ आपके सामने हैं, आपके सामने हैं सारी चीज़ें सारी बातें। देखें जितना भी आप कोशिश कर लें वो हमेशा खौफ में ही रहेंगे कि हमारी पार्टी जो अंसी है उसकी पॉलिसी नहीं। अब मिसाल के तौर पे सिंगल क्यूरिकुलम एक नसाब होना चाहिए। मिनोरिटीज के कितने लीडर्स ने इसके ऊपर बात की। देखें जिस तरह मैं आपको अभी पहले बता रहा था कि नुमाइंदगी जो अंसी है, नुमाइंदगी तो उस वक्त मुमकिन है ना जब आप मुंतखब नुमाइंदे आए। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर शहर है तो लाहौर शहर में कितने क्रिश्चियन हैं उस हिसाब से, या जितने भी पंजाब में जितने क्रिश्चियंस हैं, ये आप उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर तीन डिस्ट्रिक्ट से अलहदा कर देते हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट से या चार डिस्ट्रिक्ट से ये हमारा नुमाइंदा होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आ जाएगी कि हमारे सेंसस जो है, जो इसे मरदमशुमारी कहते हैं, मरदमशुमारी हमारी कभी सही हुई नहीं आज तक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, माइनॉरिटीज हमेशा जॉन सी हैं। अभी भी जो मरदमशुमारी हुई है हमारी, लास्ट दो मरदमशुमारी हुई 2017 में हुई। ठीक है, 2017 में मरदमशुमारी हुई तो हमारी आबादी 22 करोड़ हो गई 2017 में। अब 2023 में जॉन सी है जो कहा जा रहा है 24.5 करोड़ के करीब जाए आ रहा है सेंसस, 24.5 करोड़ होगी। ठीक, लेकिन उसमें हमारी जो माइनॉरिटीज़ की आबादी है वो कंटिन्यूसली ऑन डिक्लाइन है 1998 से। जी कम हो रही है हर बार जब 1998 की सेंसस के बाद, फिर कम हुई 2017 में आई कम हुई, अब जो सेंसस हुआ है अभी रिसेंटली जिसको हमने सुनने में आया था कि जी ये इस दफ़ा एतराज़ नहीं होगा क्योंकि डिजिटल हो रहा है, तो इस चीज़ का मैं गवाह हूँ। मैं पर्सनल तौर पे हमारे घर पे वो आए हैं, मेरे पास अभी भी वो पेपर पड़ा हुआ है जी। वो पेपर दे गए थे, उन्होंने कहा कि ये फिल कर दे, हम आएंगे लेने के लिए, कल आएंगे लेने के लिए। अगले दिन नहीं आए वो पेपर, और वो पेपर मेरे पास ही मौजूद है, और कोई और हर जगह टैब्स नहीं थी उनके पास, टैबलेट्स जो सी थी नहीं थी, तो इस वजह से वो मैं इस डिजिटल जो हुई है उसके भी शिको शुबात पढ़ते हैं। और आप देखें कि आवाज़ अगर नहीं उठाई तो माइनॉरिटीज़ ने नहीं उठाई है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन हमारी जो हमारी लीडरशिप है उनका कुछ कंसर्न ही नहीं है अपने लोगों के साथ। अदरवाइज तो देखें आप सिंध देख लें, आप बाकी जगह देख लें, हर एक ने अपनी मसाइल का आवाज़ उठाई है, इस चीज़ के कई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है। देखें 2017 का जब हुआ था तो उस वक्त भी तकरीबन सब ने आवाज़ उठाई थी, तो माइनॉरिटीज़ ने कोई इतनी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इस चीज़ का। कुछ गलत था तो सब जो हुआ ना, मिसाल के तौर पे उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनकी हुकूमत जो सी थी बलोचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने तो क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, कोलिशन थी उसमें उनकी बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपने उनके रिजर्वेशंस थी या उनके वो चीज़ें थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने मतलब उन्होंने एहतजाज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सिंध ने क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और सिंध की जो उनसे है जो हिंदूज की जो पॉपुलेशन है, हिंदूज की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पे है जी, और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ऑन डिक्लाइन है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियंस दे आर वेरी फर्टाइल,
हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है उनके बच्चे अगर आप देखें तो छः बच्चे एवरेज है जी जी, छः बच्चे ये सब, और जो आगे हैं मैंने 12-12 बच्चे भी देखे हैं, 11-11 भी देखे हैं, तो वो भी है तो, लेकिन उनकी आबादी का तनासब इनका जो है हमारा क्यों कम हो रहा है, शो कर रहा है कि कम हो रहा है। ये देखिए इसकी दो वजूहात हैं, इसकी मेन वजह ये है कि जब आप शो करते हैं आबादी को ज़्यादा शो करते हैं तो फिर आपको, क्योंकि जो मर्दमशुमारी होती है जो स्टेट जो होती है, स्टेट की जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये जितने काम हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर यानी कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक रखने की जितनी प्लानिंग होती है स्टेट की, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं कह रहा, स्टेट की जो जितनी प्लानिंग होती है वो सारी सेंसस पे बेस्ड होती है कि ये यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, इनके लिए ये इस एरिए में इतने स्कूल होने चाहिए, इस एरिए में फलां काम होना चाहिए, इस एरिए में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसमें इतने यहाँ पे डॉक्टर। वह सेंसस सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं होता, सेंसस हर चीज़ का होता है कि डॉक्टर्स इस एरिए में कितने अवेलेबल हैं। थिंक ऑफ अ थिंग, एवरीथिंग इज़ देयर, ट्रांसपोर्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं, तो वो जन से ये इश्यूज़ जन से हैं इस तरीके से होते हैं। और जो सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, उसी की बेस पे हल्का बंदियाँ भी की जाती हैं। अब जिस तरह उसको मिसाल ले लें कि हमारे जिन एरियाज़ में हमारी मेजॉरिटी है उनको इस तरीके से बाउंड्री की गई है कि वहाँ से कभी कोई मिनॉरिटीज़ क्रिश्चियन या मिनॉरिटीज़ का कोई बंदा कभी जीत ही नहीं सकता। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, यूहन्नाबाद में बड़ी आबादी है हमारी जी, बिल्कुल, लेकिन यूहन्नाबाद से कभी बंदा नहीं मारा जीत सकता क्योंकि उसका उन्होंने इस तरीके से उसको बाउंड्री उसकी रखी है कि वो कॉम्पैक्ट एक जगह से क्रिश्चियन वोट इकट्ठा नहीं पड़ सकता जी, तो वो उन्होंने एक रखा हुआ सिस्टम, तो वहाँ से भी जो सा है वो मेजॉरिटी का बंदा ही जीतता हमेशा, लेकिन वो आबादी जो है, आबादी चाहे वो 60% या 65% हो क्रिश्चियंस की है दूसरी, लेकिन वो वहाँ से जीतना मुश्किल है। इस तरह हाली लाहौर, ये मोहनाबाद की बात नहीं, इस तरह बाहर कॉलोनी है, इस तरह बहुत सारी कराची में एरियाज हैं, मुख्तलिफ जगह पे हैं, फैसलाबाद में हैं, तो वहाँ पे आबादी है और वहाँ से हमारा एक रोल हो सकता है या रिप्रेजेंटेटिव जीत सकता है। देखें सारी एक सोच की बात है, ये हम पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि सादिक खान जॉन सा है वो लंदन का मेयर बन गया जी जी, हम बड़े खुश होते हैं कि फलां जॉन सा है वो कांग्रेसमैन बन गया या वो अमेरिकन सेनेटर हो गया जी जी, अभी स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर जॉन सा है वो पाकिस्तानी साथ है, ठीक है, तो वो हम बड़े खुश होते हैं, तो हम क्योंकि देखें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है ना, सोशल वेलफेयर के मुल्क है, तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे हम अगर मौका दें तो हम अपना, वो कहते हैं ना जो मुशर्रफ ने एक शुरू किया था कि जी हम अपना सॉफ्ट इमेज देंगे, हम अपना वो देंगे, भाई आप सॉफ्ट इमेज ना दें, आप रियल इमेज दें, आप रियल इमेज दें, और रियल इमेज आपका अच्छा है, क्योंकि ये तो स्टेट जब इंटरफेयर करती है या लोग जो हैं शरपसंद लोग जो हैं वो जब डोमिनेट करते हैं तो फिर तो मिनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिलेंगे। तो आपकी जो सर मर्दमशुमारी की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि इसमें, तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो मसीहियों की जो तादाद है फिर कम ही शो होगी जो हालात जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए शायद किसी ने ये कहा कि जी कम हो रही है और इसको कम ही रखना चाहिए, शो करना चाहिए, और ये कुड बी प्रोपेगेंडा, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की प्रोपेगेंडा करता रहता है, जिस तरह 2019 में आई थिंक 2019 में ही है 2018 के एंड पे उन्होंने कहा, ऑफर दी कि जो मिनॉरिटीज़ के लोग स्पेशली हिंदूज़
जी इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने उधर गए, कोई ये नहीं कि हजारों लाखों लोग चले गए, कोई भी नहीं गए, कोई भी नहीं गए, वो यहीं पे ठीक है। और हमने मैंने देखा है कि मैंने तकरीबन दुनिया के काफ़ी मुल्क मैंने ट्रैवल किया है, तो मैंने देखा है कि ऐसे नहीं है, हमारे लोग गए हैं, ब्रेन ड्रेन जरूर हुआ है लेकिन वो मेजॉरिटी में भी हुआ है, और हमारे क्रिश्चियंस का भी हुआ है, लोग सेटल हुए हैं, यंगस्टर्स जो पढ़ने गए थे वो वापस नहीं आए, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि हमारी आबादी कम हो गई, क्योंकि हमारी ग्रोथ भी हो रही थी, ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। तो वो अगर कुछ लोग अगर माइग्रेट भी किए हैं तो ये नहीं है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है ये रीज़न उन्होंने किया मिडल ईस्ट में, इस लेबनान में क्रिश्चियंस की तादाद कम हुई, वहाँ से लोग क्योंकि जंग लगी हुई थी वहाँ पे, और वहाँ से लोग माइग्रेट किए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी लेबनान नहीं बना, पाकिस्तान कभी भी लेबनान नहीं बना, और पाकिस्तान में कभी भी यहाँ से क्रिश्चियंस की कोई मैस माइग्रेशन नहीं हुई। लोग गए ज़रूर हैं, और वैसे भी ठीक है, हर एक हक है जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपना वो जाता है, जाना चाहता है, किसी और मुल्क में सेटल होना चाहता है, तो ठीक है, लेकिन एज सच मैं इस चीज़ पे कायम हूँ कि कोई मैस माइग्रेशन नहीं हुई, कोई लोग जो उनसे बड़े बड़े नंबरों में पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, लोग पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो से हैं, क्रिश्चियंस भी और बाकी मिनॉरिटीज़ भी, दे कंफर्टेबल है, वो यहाँ पे आज नहीं, वो सदियों से रह रहे हैं यहाँ पे, रह रहे हैं वो बिल्कुल, और वो कोई नए नहीं है और उनके कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि जो उनसे ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो कि शायद क्रिश्चियन कम्युनिटी को वो अंग्रेज़ों की बाकियात समझते हैं या हमें किसी तरीके से अंग्रेज़ों के साथ जोड़ते हैं, तो वो प्लीज़ बंद करना चाहिए और ये स्टेट को बंद करना चाहिए। मैंने आप ही के प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस यूएई में काम करती है, पाकिस्तान में भी ज़रूरत है इस तरह की मिनिस्ट्री कायम हो और वो चीज़ों को देखे। मिसाल के तौर पे अभी एक फिल्म बनी जो ईद पे लगी, अभी भी लगी हुई है, तो उस फीचर फिल्म में बताया गया है कि सफाई का काम जो है वो क्रिश्चियन करते हैं, हाँ जी, और वो उसके डायलॉग्स वो के कॉमेडी की गई है, इसको बोर्ड डिग्रेड किया गया, मैं डिग्रेड किया गया, लेकिन बेसिकली पेश की है उन्होंने, कॉमेडी की है, लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं कि वो सेंसिटिव होते हैं, तो वो उन जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर कॉमेडी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये किसने बताना है, स्टेट ने बताना है ना। आप देखें कि ये चीज़ें होती हैं ना, तो स्टेट मॉनिटर करती है आपके स्टेज शोज, आपकी मूवीज़, वो सेंसर से किस तरह पास हो गई, क्या सेंसर के चेयरमैन या सेंसर के सेंसर बोर्ड जो बैठा था उनको नज़र नहीं था आ रहा जी, या उनकी वो जेन में प्रायोरिटी नहीं थी कि यार ये इस तरह के सेंटीमेंट से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वो हर्ट होंगे। सर मैंने किसी को बाहर आते देखा ही नहीं है इस फिल्म पे जो ये रोल अदा किया गया, चाहे कॉमेडी था लेकिन जी कॉमेडी था, लेकिन देखें सेंसिटिविटीज होती हैं कुछ, लेकिन उसको नहीं टच करना चाहिए ना। तो ये मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसा ऐसा आपको ख़त्म करनी चाहिए, ये ख़त्म कैसे होंगी, आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन आएगी, अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी, लोग जिनकी रूट्स हैं लोगों में वो आएंगे और वो लोग यहाँ ठहरेंगे, ये नहीं ठहरने को होगा कि वो मेंबर एमएनए बना है, बनने के बाद उसने अपने 5 साल गुजारे या जितना भी टाइम है वो गुजारे और उसके बाद वो बेसिकली अपनी फैमिली को सेटल बाहर करने के लिए वो चला जाए। बहुत सारे हैं हमारे एमएनए जो बाद में अब अमेरिका में और उधर में, बल्कि इनफैक्ट सारे ही जॉन से बाहर बैठे हुए हैं, तो दैट मीन्स कि उन्होंने कोई अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं की हमारी। मैं समझता हूँ कि सर जब ये अपना इकतदार में आते हैं, सीट पे बैठते हैं ना, पहले तो ये वीज़े अपने लगवाते हैं, अपने क्या फैमिली के लगवाते हैं, पूरी पूरी फैमिली के इनके वीज़े लगे होते हैं,
फिर बाद में देखिए मेरी फिर मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, वीज़ों की उसकी बात ना करें। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि वो जब उसने माइग्रेट किया वो MNA था, MNA को कितनी सैलरी मिलती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर वो जितनी भी सैलरी ले रहा था या जो कुछ भी वो कर रहा था उसकी बेस पे ही उसने माइग्रेशन की, उसने वीज़ा नहीं लगवाया क्योंकि वो MNA था और उसने माइग्रेशन की, वो कनाडा चला गया, माइग्रेट करके इंग्लैंड में चला गया। मैं खाली वो नहीं कह रहा कि वीज़ा ही उसी का उनका लगता है, वीज़े को भूल जाए, वीज़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो माइग्रेट कर गया, वो मुल्क में रहा ही नहीं। आप उस चीज़ को देखें कि वो मुल्क के लिए उसकी कोई सिंसेरिटी नहीं थी, तो इस तरह के लोगों को डिस्करेज करें। और मैं पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा कि इन जिनको अपना टिकट देना है सोच समझ के टिकट दें। अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देती, वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। बस वो ये देखते हैं जी हमारे साथ ये जी उस पे चल रहा है, ये हमारे नारे लगा रहा है बस, तो वो इस तरह से वो फिर उसको ना टिकट दे देते हैं। देखें मामला जो उनसे ना हमारे बहुत ही मुश्किल हैं और हमने बड़ा लंबा सफ़र किया है जहाँ तक हम पहुँचे हैं। आप देखें कि हमारे 1985 में हमें वोटिंग का राइट मिला और वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट का सेपरेट मिला, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वो भी हमें सूट नहीं करता, तो जॉइंट इलेक्टोरेट का होना चाहिए। वो डिमांड किसने करनी है? हमारे रिप्रेजेंटेशंस ने करनी है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो से हमारे, इसलिए वो हमें चाहिए। अब देखें कि 1985 में ये 10 सीटें हुई थी, 38 साल गुजर गए हैं, 38 साल गुजर गए हैं जब से ये हमारे डिमांड कुछ मिनॉरिटीज़ के हमारे लोगों ने की थी कि ये 14 सीटें एटलीस्ट होनी चाहिए। तो 38 साल हो गए, हमारी तो इस बात पे कभी बहस ही नहीं हुई, कभी बात ही नहीं की, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। वो 10 सीटें जो सी हैं वो उसी तरह ही हैं, वो ये एंजॉय। और आप देखें कि जो मिनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, कैलाश लोग कितने होंगे आपके ख्याल में? 96,000। हाँ जी जी जी। उनको सेनेट की सीट मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है। और सिख कम्युनिटी के कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत, उनको भी सेनेट की एक सीट दी गई है। तो ये जो है ना, आप चीज़ों को देखें कि हमारे जो मामला जो उनसे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन रैशनल तरीके से, बेहतर तरीके से होनी चाहिए। आई बिलीव कि हमारे चर्च को रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है वो फेल हुई है इस मामला में। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है वो थोड़ा सा सामने आए और लोगों को मोटिवेट करे। जिस तरह स्पेशली मर्दमशुमारी अभी हुई है जी जी। तो जितना हमने कहा, कुछ चर्चेज ने किया भी कि इस पे काम किया, इसी तरीके से वोटर हमारे बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ के क्रिश्चियन लोग हैं उनके वोट्स नहीं हैं, अपने वोट जान से नो इंश्योर करें कि आपका वोट बनाओ। तो ये चीज़ें ताकि आप अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज कर सकें, ये मेरी ख्वाहिश। इसी तरीके से आप बेहतर लीडरशिप लेके आ सकते हैं। जी जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, हमारे नाज़रीन भी आपकी गुफ्तगू से मुस्तफीद हुए होंगे। तो इसके साथ ही मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात आपसे होगी। खुदा हाफ़िज़ आप सबके साथ।